सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग ट्रेन। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू इंस्टॉल माई एसक्यूएल सर्वर फॉर विंडोज़। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टाइप कर लेना है माई एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड फॉर विंडोज़, नहीं तो मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। आपने इस पर क्लिक करना है ऑफिशियल वेबसाइट माई एसक्यूएल की, आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है माई एसक्यूएल कम्युनिटी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज होगा, आपने करना है माई एसक्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडोज़। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपने इस सेकंड वाले पे क्लिक करना है और इसको आपने डाउनलोड पे लगा देना है। और जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे आपके पास जो जो ऑप्शंस आएंगे आप उसको टिक करते रहोगे। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग ये क्यों डाउनलोड कर रहे हैं। तो हम लोग इसलिए इसको डाउनलोड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इस माई एसक्यूएल सर्वर को किसी भी कोई आपने MySQL की कमांड लिखनी है अपने सिस्टम पे, तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपको MySQL सर्वर डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोगों को कोई भी IDE से MySQL को कनेक्ट करना पड़ेगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ टू कनेक्ट आर IDE, जैसे हमने विजुअल स्टूडियो को, जैसे ये मेरा लोकल होस्ट गिवन है, तो ये लोकल होस्ट को मैंने MySQL सर्वर से कनेक्ट किया, मतलब MySQL सर्वर को कनेक्ट किया विजुअल स्टूडियो से। तो हमने जैसे हमने कनेक्ट किया ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे कनेक्ट किया। बट इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले डाउनलोड करना चाहिए माई एसक्यूएल सर्वर। तो ये हमारा है जैसे हम लोग माई एसक्यूएल सर्वर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने सिंपली सेकेंड वाले को क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इसको डाउनलोड पे लगा देना है। और जैसे आपको जो भी आप ऑप्शंस मिलेंगे आपने उसको क्लिक करते जाना है। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुकी हूँ तो इसलिए अगर मैं इसको डाउनलोड करूँगी तो कोई फन नहीं है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सिस्टम में डाउनलोड है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ टू कनेक्ट माई एसक्यूएल सर्वर विथ विजुअल स्टूडियो कोड। थैंक यू।